अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हो? तो आज हम जाएंगे जी कोटली। बस जा रहे थे वैसे ही घर वालों के साथ ही, तो चलते हैं साथ, आपको भी लेके चलते हैं। हम आज जाएंगे अपनी 2D रेड वाइन के अंदर, तो चलिए चेक कराते हैं आपको आज और दिखाते हैं नज़ारे कोटली के। हम चलते हैं कोटली की तरफ। ये जनाब अब रुके हैं यहाँ पे, लगाएंगे डीजल। चेक करें कितनी बैठी है। ये जनाब ऊपर जाओ तो कोटली, नीचे जाओ तो डियाल। ये पानी जमना है वहाँ, पानी हमारे डैम के साथ है, वो सामने मीरपुर है। और ये है, ये जनाब आबशार ने देखी रास्ते में भी जा रहे हैं कोटली। रास्ते में बस तकरीबन अभी है, काफ़ी सफ़र पड़ा है अभी, 1.5 घंटे का सफ़र पड़ा है अभी। ये जनाब कुछ छोटे दो साथ भी हैं मेरे। सारा दरिया है, नेमत साहब आए हैं वो खरीद ली पूरी। पूरी का भी आपको रिव्यू करेंगे। ये सारा जी कोटली है। हम अभी जा रहे हैं इससे ऊपर एक आता गाँव, उसका नाम है दंदली से कुछ करके, इस तरह मुझे याद नहीं। अब वहाँ जाके मिलेंगे फिर आपसे, चलिए चलते हैं। जी जनाब अब हम आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। ये इधर अपना ही घर है एक तरह से, ये अपनी खड़ी है जी रेड वाइन, ठीक हो गया। और यहाँ का मौसम चेक करें, ऐसा है गर्मी है। ये एक गांव है दंदली नाम है इसका, और इधर की मिट्टी देखें बिल्कुल सुर्ख होती है, इधर पहाड़ों की मिट्टी भी बिल्कुल सुरख सुरख होती है। लाओ के जी गाड़ी अपनी। तो इसका नाम है जी दंदली। दंदली एक गांव है इधर कोटली से आगे है ना, यहाँ पे मतलब है गर्मी है, उस तरह से यहाँ पे कहते हैं सर्दी नहीं पड़ती। तो
चलते हैं जी, कुछ खाते पीते हैं फिर मिलते हैं। ये हैं जी हमारे जवाहर साहब, ये बच्चा पार्टी यहाँ बैठे हैं। क्या हाल है भाई? ठीक हो? आपका नाम क्या है? सैफुल्ला। ये तो अपनी ही दुनिया थे। यहाँ का व्यू चेक करें भाई साहब, रात को यहाँ पे इतनी ठंड होती है, ऐसी की जरूरत नहीं पड़ती आपको। ये जी घर है सारा, ये भी लो जी। फिर हम अभी जा रहे हैं जी, किधर? अभी हम जा रहे हैं दरिया में, वहाँ पे आपको बाद में जब पहुँचेंगे तो आपको मिलते हैं बाद में। हम जी दरिया में नहाने जाएंगे, अब अभी जा रहे हैं, चेंज चेंज करते हैं कपड़े, फिर मिलते हैं आपसे। सब्सक्राइब करेंगे। वाह जी वाह, तो पहले सेल्फी स्टार्ट हो जाती है ये। तो जी अभी हम जा रहे हैं दरिया में नहाने के लिए, तो जाके दरिया में फिर आपको शूट करके बताता हूँ मैं आपको क्या सीन शीन है। मेरे ख्याल में कोई 2-3 फुट पानी होगा बस, लेकिन सही ठंडा होगा, बहुत गर्मी लग रही थी, चेंज कर लिया। चलते हैं दरिया में, साथ बच्चा पार्टी भी है, तो फिर देखते हैं क्या सीन है। ठंडी हवा चल रही है। ये जी चश्मा, इधर अभी हम लोग पानी पीने लगे हैं, चेक करो जी। ठंडा तरीन पानी है ये। तो जी फाइनली हम आ गए हैं उधर दरिया में नहाने के लिए। पहले हम गए थे चश्मे की तरफ, मेरा पाँव अभी तक फ्रीज है, बहुत ठंडा पानी था वो। अभी हम जाएंगे नहाएंगे, आपसे क्लिप शेयर करते हैं, तो मिलते हैं वहाँ जा। चल नहाते हैं, आ जाओ। ठंडा पानी आ जाओ।
स्विमिंग होगी हमारी। अब हम जाएंगे वापस घर, वहाँ से कपड़े शपड़े चेंज करके तो वापस मीरपुर को फिर निकलेंगे वापस मीरपुर। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे घर जाके। तो जनाब अभी हम ज़रा नानू के आ गए हैं दरिया में, तो अब चलते हैं घर में दोबारा ना के कपड़े चेंज करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या सीन है वापसी का। ये सब तो कह रहे हैं अबेरो, लेकिन हम वापस जाएंगे आज क्योंकि कल मैंने जाना है इस्लामाबाद, वो भी आपको अगला व्लॉग मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं घर, नहाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो जी हम ना के आ गए वापस, अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं करने को, बस यहीं पे ही थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर निकलेंगे वापस मीरपुर की तरफ अपने घर। तो कल फिर जाना है इस्लामाबाद, उसका भी इंशाल्लाह व्लॉग बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में, देखते हैं अभी क्या करते हैं। अभी शायद फिर से खाना खाऊं, पता है भूख लग जाती होती है। तो फिर खाना शाना खा के फिर मिलते हैं आपसे, बल्कि शायद ना खाऊं कोई बता नहीं। तो जी अभी हम जाएंगे और जाके चाय पियेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं आप सबसे वापसी के रास्ते। ओ भाई साहब इधर। अच्छा उधर। हाँ जी सर। ट्रैफिक साथ खड़ा है। ये जी अब्दुल्ला नाम है इसका, ये इसके अब्बा जी को ट्रॉफीज वगैरह मिलती रहती हैं। ये किस चीज की ट्रॉफी है? ये मैच खेल खेल के लिए। अच्छा जी, कौन सा मैच खेला था? क्रिकेट का। क्रिकेट का जीत गए थे? जीत गए थे। वाह जी वाह, इतनी बड़ी बड़ी मिली है। अच्छा जी, पीछे भी पड़ी हुई थी, ये पड़ी हुई है अभी, फिर उसके बाद ये है कि थोड़ी टूटी हुई है, पर ये भी है, ये है, ये इतनी बड़ी बड़ी है। ठीक हो गया जी, अभी हम चाय पियेंगे फिर उसके बाद वापस जाएंगे घर अपने मीरपुर। ये भी मीरपुर से ही आए हुए हैं इधर, ये इनके दादा बुआ का घर है, तो हम भी आए इनको बस पैसे मिलने के लिए। जनाब इनका कोई ज़रा मसला हो गया, तो हम ज़रा मीरपुर से ना साथ लड़ने के लिए आए। बताओ जी क्या हुआ जी मसला? दामी ने। दामी क्या किया जी? दामी ने हमें ना पंगा लिया हमसे, तो अब उसको मारने जा रहे हैं पूरी। अच्छा, शादी अहमद नमी आए हैं मारने के लिए। ये जनाब इधर इनकी अपनी मस्जिद है, मस्जिद ये देखिए जी मस्जिद के बाहर का घर। वासिफ क्या कर रहे हैं आप? जा रहे हैं। हाय 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 जोने इंटरव्यू वो सब ना चाहिए ना चाहिए। जवाब साहब क्या कर रहे हैं अभी बैठ के? नमाज पढ़ते हैं नहीं आप? नमाज पाबंदी के साथ दोने चार जी, सारे लोग दोने चार जी। हाय जी दोने चार जी। हाँ जी सर इधर आओ। बैदी साहब कहाँ पे? दामी आपका वो नहीं नहीं उसको नहीं मारना, वो अभी कहते हैं कुरान पढ़ रहा है। जवाब नहीं सारी दो जान दो से एक पंजा पार लाना का तकरीबन कोटियां जवाब भाई आप जीत गए। छह हार गए पहली, पांच दूसरी जीत गए। मारो पांच यार। ये देखें जनाब पहाड़ों के ऊपर भी आबादी है, घर बने हुए हैं और सामने एक मस्जिद नजर आ रही है, वो ऊपर तक आबादी है। और ये वो
तुम्हारा क्या है? ले जी, अब हम जा रहे हैं यहाँ से वापस घर अपने मीरपुर। तो फिर मीरपुर पहुँच के मुलाकात होगी हमारी। अल्लाह हाफिज़। जनाब हम वापस आ गए हैं अपने घर। तकरीबन ढाई घंटे में हम लोग वापस आ गए थे, आराम सुकून से आए थे। तो सुबह हम शायद जाएँ इस्लामाबाद, तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग इस्लामाबाद का ही मिलेगा इंशाल्लाह। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो दिल करे कमेंट करें। और माजरत के मैंने गाने लगाए हुए थे पिछले व्लॉग में, तो इंशाल्लाह इस व्लॉग में गाने नहीं होंगे, मैं भूल गया था कि मुहर्रम चल रहा है। तो मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनों में रहें और खुश रहें और दूसरों की मदद करते रहें। अल्लाह हाफिज़।